नमस्कार दोस्तों, जिन साथियों का अभी एग्ज़ाम है जैसे पटवारी, कैनल पटवारी या ग्राम सचिव, दुर्गा पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे हम बात करते हैं दुर्गा शक्ति पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर का है। कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और लैंड पटवारी का जो तीनों का एग्ज़ाम 27, 26 और 28 दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है, इम्पोर्टेंट डेट जारी की है, जिसके तहत अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं। लगभग उनसे पहले आपने एक 88 नए के बार एक रूल लागू, एक नया नियम पेश किया है, जिसके तहत आपको यस या नो का ऑप्शन देना होगा, यस या फिर नो का चॉइस भरनी होगी। जो साथी यस करेंगे वो इन तीनों चारों परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे सकेंगे, जो साथी नो का ऑप्शन भरेंगे या नहीं भरेंगे या छोड़ देंगे, उनका HSC आपकी बार HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। इस प्रकार आज 11 नवंबर 2021 है और 11 नवंबर से 25 नवंबर तक इन परीक्षाओं में जो साथी भाग लेना चाहते हैं, जो साथी परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या है कि उन्हें अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी के माध्यम से, जिन्होंने जैसे कैनल पटवारी का एग्ज़ाम रखा है तो इस पर से जाके यहाँ क्लिक करके अपना नोटिस जारी करें, इसमें यश या नो का ऑप्शन भर सकते हैं। जो साथी ग्राम सचिव में उसमें सेम एज इट इज़ प्रोग्राम है, जो महिला कैंडिडेट दुर्गा शक्ति पुलिस का जो फॉर्म रखा है उनके लिए भी सेम एज इट इज़ प्रोग्राम है। ऐसी प्रकार इस जो सरकार ने अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी की बार जो सूचना जारी की है, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। चूज योर लॉगिन आईडी यस या नो का ऑप्शन आपने भरना होगा। इसकी लास्ट डेट क्या है? 15 नवंबर 2021 है और कब तक है? 15 नवंबर 2021 रात के 12 बजे लग हैं, ठीक है। यदि आप आगामी परीक्षाओं के में जो भी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से आप ये परीक्षा में दे सकते हैं। अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं तो आप यस का को अनिवार्य है, अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपको नो का ऑप्शन अनिवार्य होगा, तो फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। ये सब बातें आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कि जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं एग्ज़ाम HSC द्वारा आयोजित की जाने वाली हैं उनमें ये ऑप्शन जारी किया गया है, ताकि इसको HSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में एक जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके ज़्यादा से कम सीटिंग अरेंजमेंट करने में दिक्कत ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, कम से कम 46% छात्रों ने ही बार एग्ज़ाम दिया था, तो मैनेजमेंट में थोड़ा खर्चा होता भी। इस प्रकार HSC का एक बहुत अच्छा फैसला है कि आपको यश या नो का ऑप्शन आपकी बार भरना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। तो इस प्रकार जो छात्री ये यश या नो का ऑप्शन नहीं भरेंगे उनका HSC आपकी बार एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि समय से पहले आप यश या नो का अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से अपनी जो जिस परीक्षा जिसके लिए जिससे आपने लैंड पटवारी, कैनाल पटवारी या ग्राम सचिव की जो परीक्षा दे रही हैं इसके लिए आपने आवेदन किया है, तो आप इस परीक्षाओं को अच्छी से दे सकें और आपको सुगमता से HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप अपनी लॉगिन आईडी को पर जाकर यस का ऑप्शन करें। अन्यथा कोई छात्री इसका लॉगिन आईडी बनाए तो कोई यश या नो का ऑप्शन भरता है, उसे छोड़ देता है डायरेक्ट ऐसे ही, तो HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। अन्यथा आपसे अनुरोध है, अन्यथा आपके साथी जिन्हें एग्ज़ाम देना है भाई, वो अपने ये फॉर्म ज़रूर भरें। अगर फिर भी आपकी कोई कमेंट है, इंक्वायरी, तो आप हमें कमेंट करें, बता सकते हैं।